अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हसीना भाग जाएगी। जी हाँ, आज बांग्लादेश में हो रहे इख्तदार तब्दीली पर बात करते हैं। वैसे शेख हसीना भागकर इंडिया आएगी और भारत ने इसे पनाह भी दी है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की वजीर आला शेख हसीना की आमद का इकरार किया। अब भारत से होकर लंदन जाने की तैयारी की जा रही है ऐसा कहा जा रहा है, और तमाम कार्रवाई को मुकम्मल करने की कोशिशें भी जारी है। आज इस मौजू पर बात करते हैं कि हसीना जल्द लंदन भाग जाएगी या नहीं, या फिर भारत में ही रहेगी। क्या भारत में रहना भारत के लिए गले की हड्डी बन जाएगा? खैर, आखिर बांग्लादेश की हालत इस कदर खतरनाक क्यों हुए? लिहाजा इसका जवाब यही हो सकता है कि तानाशाही का अंत इस तरह ही हो सकता है। आपने देखा होगा कि श्रीलंका में भी हालात नाजुक बने, आवाम सड़कों पर उतरी, यहाँ तक के इख्तदार में बैठे हुक्मरानों को आकर भागना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेश की पिछले 15 सालों से रही वजीर आला शेख हसीना, जिसे डिक्टेटर के तौर पर जाना जाता रहा, जुल्म जबर की दास्तानें भी शेख हसीना के नाम पर रकम की जा चुकी है। अब इस सबक को दुनिया के तमाम तानाशाहों को सीखना होगा जो जुल्म की दास्तान रकम करना चाहते हैं। यकीनन भारत के मोदी सरकार को भी सबक सीखना जरूरी होगा। पड़ोस के मुल्कों में हो रही तब्दीलियां यकीन तौर पर भारत पर भी असरअंदाज जरूर कर सकती है। तानाशाही के खात्मे के बाद बांग्लादेश में मिठाई बांटी जा रही है, और जहां कहीं भी दुनिया भर में बांग्लादेशी है वहां पर वो जश्न मना रहे। एक तरह से एक नई सुबह के तौर पर इस वारदात को देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा से शुरू होती है। बांग्लादेश की आजादी में हिस्सा लेने वालों के लिए 30% रिजर्वेशन को जारी किया जाता है, जिसकी मुखालिफत तलबा करते हैं, और इसी रिजर्वेशन को लेकर तलबा एहतजाज शुरू करते हैं। बढ़ते एहतजाज को देखते हुए रिजर्वेशन को घटा दिया जाता है और इसे 5% पर लाया जाता है। लेकिन दौरान एहतजाज बांग्लादेश पुलिस की जानिब से या फिर पैरामिलिट्री की जानिब से जुल्म किया जाता है, और यह तमाम तानाशाही हसीना के हुक्म पर ही होती है। हासिल तरह के मुताबिक अब तक 1000 लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ा तो कुछ 100 बता रहा है। हजारों लोगों को जेल में रखा गया, सैकड़ों अब भी जख्मी हालत में जेर इलाज अस्पतालों में है। फिलहाल अब शेख हसीना भाग कर जाने के बाद जो लोग कैद में हैं, जो मतलब तलबा जो कैद में हैं, इनकी रिहाई की मांग की जा रही है। ये भी इतला है कि कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों के अफराद जेल तोड़कर भाग गए हैं। नई हुकूमत के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट जल्द बनेगी, इस तरह के ऐलानात भी हो रहे हैं। 5 अगस्त 2024 का दिन बांग्लादेश के लिए तारीखी दिन माना जा रहा है। एक और अहम बात यह भी है कि जब फौज को एहतजाज करने वालों पर गोलियां बरसाने का हुक्म शेख हसीना ने दिया तो फौज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम उन्हें रोक सकते हैं क्योंकि जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं वो अपने ही तो देश के हैं, पर इन पर गोलियां नहीं चलाएंगे। इसका मतलब हालात शेख हसीना के हक में नहीं है, क्योंकि जब फौज भी हुक्मरानों का हुक्म नहीं मानती तो समझना कि इख्तदार तब्दीली का वक्त आ चुका है। अब फौज भी अवाम के साथ खड़ी हो चुकी है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अगर सत्ता से सवाल या सत्ता विरोधी बनते हैं तो उन्हें दहशतगर्द या टेररिस्ट कहकर माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। भारत में भी सत्ता से सवाल करोगे तो देश विरोधी ही कहा जाता रहा है। अब तो मीडिया के खिलाफ भी मोदी सरकार बिल ला रही है। खैर, तो इस तरह शेख हसीना ने भी सत्ता के विरोध में जाने वालों को रजाकार, मतलब 1971 में हुए पाकिस्तान बांग्लादेश जंग के वक्त कुछ लोग पाकिस्तान हिमायती थे जिन्हें देश विरोधी कहा गया था, तो पाकिस्तान हिमायती रजाकार इस तरह एहतजाज करने वाले बांग्लादेश के ही तलबाओं को देश विरोधी और दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई थी, और यह लकब इसी शेख हसीना ने दिया था। पर फौज ने इन्हें दहशतगर्द करने से इनकार कर दिया और इन पर गोलियां चलाने से भी इनकार किया। दुनिया भर में बांग्लादेश के तलबाओं को सलाम पेश किया जा रहा है क्योंकि गोलियां लाठियां जेल जाने के बाद भी इन्होंने एहतजाज जारी रखा है और लड़ते रहे। तब तक लड़ते रहे जब तक शेख हसीना को बांग्लादेश से भाग ना जाए। महज 15 मिनट का वक्त शेख हसीना को दिया गया था जिससे वो भाग कर भारत आ गई थी। सोशल मीडिया पर शेख हसीना के हवेली में एहतजाजी तलबा घुसकर कब्जा किए हुए हैं, लूटमार भी जारी है, तो कुछ तलबा शेख हसीना के घर में खाना भी खा रहे हैं। बांग्लादेश आजादी के कायद बानी मुजीबुर रहमान का पुतला भी तोड़ा गया है। मुजीबुर रहमान शेख हसीना के वालिद है और उन्हें बानी बांग्लादेश कहा जाता है। एक तरह से सोचते हैं तो तानाशाहों की क्या हालत होती है, वैसे तारीख में इस तरह के तानाशाहों का हाल इसी तरह से देखा गया है। या तो इन्हें मारकर खंभों से लटकाया जाता रहा है, या फिर ये खुद अपने आप खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर किस्मत अच्छी रही तो शेख हसीना की तरह भाग भी निकलती है। लेकिन इनकी तानाशाही का अंत भी कितना अफसोसनाक या सबकामोज होता है ये भी समझने की जरूरत है।
अब जब भारत को भाग आई है तो भारत के लिए क्या नई चुनौतियां होंगी, क्योंकि भारत की तकरीबन 4000 किलोमीटर की सरहद बांग्लादेश से सटी हुई है। अब ये डर भी जाहिर किया जा रहा है कि बांग्लादेश घुसपैठ कर सकते हैं। बीएसएफ को मुकम्मल तौर पर तैनात किया जा चुका है। अब इसका एक पहलू ये भी जाहिर किया जा रहा है कि भारत में बैठी फैसिस्ट ताकतें इसका फायदा उठाकर हिंदू मुस्लिम कर सकती है, क्योंकि न्यूज चैनलों पर इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी मंदिरों को टारगेट करने की खबरें गोदी मीडिया चला रही है। जाहिर है इसका एक असर यह भी हो सकता है कि घुसपैठ के बहाने फिर से एनआरसी सीएए को लागू करने का माहौल बनाया जा सकता है। हिंदुओं पर हमलों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर भारत में माहौल गरमाया जा सकता है। बांग्लादेश की दूसरी बड़ी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसके साथ भारत का रिश्ता ठीक नहीं है। शेख हसीना से भारत के ताल्लुकात अच्छे थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है इनके ताल्लुकात चीन पाकिस्तान से अच्छे हैं, तो भारत पर इसका भी असर क्या हो सकता है देखने की जरूरत है। बांग्लादेश में जो भी भारत के प्रोजेक्ट चल रहे थे शायद उन्हें रोका जा सकता है, और यकीनन रोकेंगे, क्योंकि उनके साथ भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं है। शेख हसीना भारत में आने के बाद, उन्हें पनाह देने के बाद, क्या शेख हसीना के तानाशाही के पीछे भारत भी था, ऐसा सवाल बांग्लादेश में किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत में खासकर मुसलमानों को भी बड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मुसीबतें घुमा फिरा कर फिर से मुसलमानों पर आ सकती है। इंडिया गठबंधन ने भी भारत पर बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर चौकन्ना रहने की बात कही है। आज विपक्ष नेता राहुल गांधी ने क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, ये भी सवाल जयशंकर से किया हुआ है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की कुछ हद तक शिकस्त के लिए बांग्लादेश के हालात बहाना बनाकर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की भी कोशिश की जा सकती है। बहरहाल श्रीलंका बांग्लादेश के बाद क्या भारत के भी हालात में खाना जंगी जैसी कोई तस्वीर बन सकती है? क्या फिर से हिंदुत्ववादी तंजीमें बहाना बनाकर सियासी मुफाद हासिल करने के लिए यहाँ के हालात को आलूदा कर सकते हैं? क्योंकि हिंदुओं पर हमले की कहानियां बनाकर बांग्लादेश की सरहद को खोलने की भी बातें अब जारी है। जबकि अगर दूसरी बात कही जाए तो ऐसे कई वाकये बांग्लादेश में फिलहाल पेश आए हैं, जहां बांग्लादेश के नौजवानों ने तकरीबन 6 मंदिरों के सामने जंजीर बनकर खड़े रहे और दंगाइयों को मंदिर पर हमला करने से रोका गया। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुए तानाशाही का खात्मा कहीं भारत के पुरसुकून माहौल को असरअंदाज तो नहीं करेगा, ऐसा सवाल किया जा रहा है। इतना तो जरूर है कि कुछ देर में लंदन के लिए हसीना भागने की तैयारी में थी, पर यूएस ने उसका वीजा रद्द कर दिया है। मतलब फिलहाल तो शेख हसीना भारत में ही है। हासिल इत्तला के मुताबिक किसी यूरोपियन मुल्क में पनाह ले सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। भारत के लिए अब शेख हसीना गले की हड्डी बनी हुई है, और यह भी भारत की नाकाम विदेश नीति का एक नतीजा ही कहा जा सकता है। भारत 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में कर चुका है, लेकिन अब तमाम ठप हो जाएगा। खैर, हसीना तो किसी न किसी देश भाग जाएगी, पर भारत के माहौल में कहीं तो तशद्दुद जरूर बरपा करेगी, ऐसा कयास इल्मी माहिरीन की जानिब से लगाया जा रहा है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।